है वो है ITC, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, ये अपने प्रॉफिट्स को ना सरेंडर नहीं कर रहा, और अगर कोई भी शेयर अपने प्रॉफिट को सरेंडर ना करे तो ये बेहतर माना जाता है। खैर पहले इंडिकेटर टिक्स आया, 1100 शेयर एडवांसेस के साथ हैं, कल जिस लेवल पे हमने क्लोज किया था वहां से 1100 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने पहला जो टिक दिखाया वो हरे निशान का दिखाया। ये एक पहला साइन होता है जो कि बाजार को ये बताता है कि बाजार का बेस स्ट्रांग है। दूसरा, 48 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,260-270 का लेवल आपको निफ्टी पे दिख रहा होगा। सेंसेक्स पौने 200 पॉइंट, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, ये आज पांचों छह बैंक जो है आप नोटिस करके रखिएगा। एक बार HDFC भी दिखा दीजिए कि HDFC के अंदर जो टिक हम शुरुआत में कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट होंगे वो क्या अभी भी हैं कि गुम हो गए, अभी भी हैं, 0.5% ऊपर है। UPL ने आज गति पकड़ ली है, CLSE की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं 1100 का भाव हो जाएगा, शेयर चल रहा 800 पे, तो काफी फर्क है 1100 और 800 में। टाटा मोटर्स का बेस कंप्लीट है इसलिए पुल बैक आ गया। आज SBI के पास भी एक रिपोर्ट आई है, उसके साथ में लगी हुई, वो ये भी कह रहे हैं कि 585 हो जाएगा, वो रिपोर्ट का मैं नाम भूल गया किसी ब्रोकिंग की थी बट रिपोर्ट थी 585 की। TCS ये भी शेयर 0.5% ऊपर है, हालांकि इसका बायबैक कंप्लीट हो चुका है, उसकी डेट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा विप्रो, डीवी स्लैब, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं, फ्रंटलाइन शेयर्स हैं जहां पर आपको बड़ा दिखने। आज फार्मास्यूटिकल्स का शेयर पहले पांच में नहीं है तो आज क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग हो गया। आज फार्मास्यूटिकल्स के शेयर के अंदर जल्दी जल्दी हाथ ना डालिएगा अगर आज बैंकिंग के शेयर आपको लीडरशिप दिखाएं तो। दूसरी बात, अगर आप निफ्टी के अलावा इतर यानी कि निफ्टी से हटकर 50 शेयर देख रहे हैं तो आपको दिखेगा मदर्स एंड सुमी, ये इसको जो बोइंग का ऑर्डर मिला है, पहला ऑर्डर मिला, और बोइंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, और अगर उससे आपको ऑर्डर मिले तो इसको आप ऑर्डर की तवज्जो ना समझें बल्कि ये समझें कि ये ऑर्डर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, किसका नॉच बढ़ चुका है। आप बंधन बैंक, DLF, NMDC ये वो शेयर हैं जहाँ पे 1% तक की बढ़त है। इंटरग्लोब एविएशन पे भी आज एक रिपोर्ट थी, इनके टारगेट को रिवाइज करके 1800 कर दिया गया है, हालांकि ये चल 1900 पे रहा है, टारगेट 1800 रिवाइज किया गया, लेकिन फिर भी ये 2% आज ऊपर है। मिड कैप शेयर आपको प्रियंका बता रही है। बिल्कुल, जैसा सर भी कह रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंस आपको कहीं ना कहीं लीड लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन आप अगर मिड कैप स्पेस से बात करें ना तो वहां पर आपको थोड़े से मिक्स्ड बैग्स भी निकल आ रहे हैं। आपको पहले पांच बड़े काउंटर्स में से पहले तो रियल एस्टेट आपको कम से कम दो काउंटर दिख जाएंगे, प्रेस्टीज एस्टेट, रॉय रियलिटी, दोनों पर ही आपको 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली। L&T फाइनेंस कल 9% तक टूट गया था, प्योरली एक प्रॉफिट बुकिंग थी आफ्टर अ सर्ज ऑफ सम 26%, लेकिन आज आप फिर से देखेंगे 2% तक चला हुआ। अदानी टोटल गैस यहां पर आपको 2% की तेजी दिख रही है, और आपको फैशन काउंटर्स लाइक आदित्य बिरला फैशन ये आपको फिर से आज तेज दिखाई दे रहे हैं, जो ऑलरेडी एक अपट्रेंड में है भी। स्टील काउंटर्स लाइक जिंदल स्टील, ये दोबारा से आपको फर्स्ट 5-10 स्टॉक्स में दिख जाएंगे जो मिड कैप स्पेस से हो। एक बार डेरिवेटिव स्पेस भी देख लेते हैं कि वहां किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत तेजी से जहां शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं क्योंकि लॉन्ग बिल्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम दिख रहा है, लेकिन आपको क्लियरली मेटल स्पेस पे लॉन्ग बिल्ट होते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जिंदल स्टील एक काउंटर है। आप शॉर्ट्स कहां कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ऑटो एंड ऑटो फाइनेंस, मदरसन सुमी, बालाकृष्णा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन ये पहले तीन काउंटर्स हैं जहां पर आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आपको फार्मा स्पेसेस स्टार दिखाई देता है जहां पर आपको तेजी से शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। अब कल हमने देखा टॉप गेनर्स में FNO के FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, उस पर भी आपको आज एक तेजी देखने को मिलेगी। तो ऑटो स्पेस, ये तो ऑटो एंजली थी, ऑटो स्पेस से आपको आइशर मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर ट्रिगर और एग्री स्पेस के ये काउंटर्स हैं जो आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। अशोक लेलैंड को आप देखें, आइशर मोटर को देखें, तो यहां पर आपको तेजी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहा है। लॉन्ग स्पिल्ट हो रहा है वो आपको नौकरी पे, HDFC पे, जुबिलेंट फूड और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो क्लियरली आपको ऑटो और ऑटो एंसर मिले, और ये जो एक मॉनसून का ट्रिगर भी है वो भी थीम प्ले होती हुई दिखाई दे रही। कल IMD की तरफ से भी आया था क्लियरली कि नॉर्मल मॉनसून होगा। आप एक ब्लॉक डील भी आप यहाँ फ्लैशेस पर देख रहे हैं, लगभग 42 लाख शेयरों का सौदा हुआ है मुथूट फाइनेंस पे। काउंटर फिलहाल फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहा है। ब्लॉक डील्स और कहाँ कहाँ हुई हैं, इनफैक्ट MTR टेक पे एक ब्लॉक डील की बात थी, वहां सेल ऑफ की बात थी। कोटक बैंक में हमने देखा था कैनेडा पेंशन फंड, कल सेल ऑफ होने के बाद पूरा बैंकिंग स्पेस दबाव में था, लेकिन फिलहाल आज एक रीबाउंड दिखा रहा है। MTR टेक आप देखें।